श्री काकभुशुंड जी महाराज हरिवाहन गरुण जी से कहते हैं, गरुण जी ये जो हमने अभी आपको सब प्रभु की महिमा बताई, ये कोई जुगती लगा के नहीं बताई। कहूं न कछु करी जुगती बिसेखी, ये सब मैं निज नैननी देखी। काकभुशुंड जी कह रहे हैं, मैं कोई वाणी का विलास मात्र नहीं कि मैं पढ़ी लिखी बात आपको सुना रहा हूं, मैंने अपने आंखों से देखा है प्रभु की ऐसी महिमा, अनुभव की है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, शकल अमित अनंत रघुनाथा, निज निज मती मुनि हरि गुण गावही, निगम शेष शिव पार न पावही, तुम्हें आदि खग मशक प्रजंता, नभ उड़ाई नहीं पावही अंता। हे गरुण जी महाराज, ये मैं कोई युक्ति लगा करके नहीं वर्णन कर रहा हूं, इस सब मैंने आपने आंखों से देखा है, जो अनुभव किया है वही बता रहा हूं। हमारे प्रभु का जो नाम है, उनकी महिमा है, उनके रूप है, उनके गुण है, अपार है, अनंत है। मुनिगण अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन करते हैं, वेद शेष और भगवान शिव भी उनकी आज तक महिमा का पार नहीं पा पाए। जैसे हे गरुण जी महाराज, आप भी उड़ते और मच्छर भी उड़ता है, पर आकाश का अंत नहीं पा पाए, ना आप और ना मच्छर। ऐसे ही साधारण जीव या मुनि या भगवान शिव शेष वेद कोई पार नहीं पाया। भगवान की महिमा इतनी ही है, ऐसा आज तक कोई पार नहीं पाया। अर्जुन जी को पास रहते रहते ऐसा लग गया था कि मैं भगवान को संपूर्णतया जान गया हूं, क्योंकि गीता जी भी सुन चुके थे, विराट रूप भी देख लिया था और भगवान के साथ ही। तो एक दिन द्वारिका में जब गए तो एक ब्राह्मण आकर के अपने बच्चे का मृत शरीर रखा और ये क्या हुआ, मेरे सामने मेरा पुत्र पधार गया और श्री कृष्ण बलराम जैसे महामहिम वो हमारी रक्षा नहीं कर पाए। ऐसे जब अर्जुन जी को पता चला कि ये तो कई बार हो चुका है, तो अर्जुन जी ने कहा कि मैं रक्षा करूंगा, मैं काल के मुख से भी तुम्हारे बालक को छीन कर लाऊंगा, मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं। उनका जब श्री कृष्ण बलराम नहीं बचा पाए तो आप क्या बचा लो, मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं, उनका प्रिय हूं, दास हूं भाव। बोले नहीं नहीं, हमें तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास हो सकता है, जब भगवान नहीं बचा पाए तो उनका, यदि मैं रक्षा नहीं कर पाया तो चिता जलाकर तुम्हारे सामने भस्म हो जाऊंगा। उनका फिर तो प्रशंसनीय है आपका व्रत, जब आपके संतान हो तो आप आके हमें बता देना, होने का अवसर आवे। वह जब समय आया तो अर्जुन जी से कहा कि कुछ ही समय में प्रसव हो सकता है। अर्जुन जी गए, आचमन किया, समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान था, दिव्यास्त्रों से पिंजड़ा बना दिया बाणों का, कि अगर वायु भी प्रवेश करेगी तो अर्जुन की अनुमति से, बिना अर्जुन की अनुमति के कोई भी देवता, कोई भी यक्ष, गंधर्व, मृत्यु, काल, कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसा दिव्यास्त्रों से जाल बना दिया। पहले तो बालक प्रकट होता था फिर पधारता था, अब की बार प्रकट हुआ और गायब हो गया, सौ भी नहीं बचा, सौ भी नहीं मिला। अब तो बहुत धिक्कारने लगे, बड़े गांडीव धनुधारी अर्जुन बनते थे, अब तो उसकी लाश भी देखने को नहीं मिली।
अर्जुन ने विचार किया कि वायु भी बिना मेरी आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकती थी, सीधे यमपुरी पहुंचे। वह जुड़कर कहा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, यहां कोई हमारा दूत नहीं गया, कोई हमारा वो जीव यहां नहीं आया। फिर कहा, ब्रह्मलोक गए, सब लोकों में गए, कहीं नहीं, सब जगह की नहीं नहीं मेरे लोक में नहीं आया। जैसे भारत में कोई विदेश का आएगा तो पता चलेगा ना, ऐसे थोड़ी घुस जाएगा, उसके पास वीजा होगा तो पता है कि भारत में अमेरिका के कितने लोग आए हैं, इंग्लैंड के कितने लोग आए हैं, ऐसा पता होता है। ऐसे ही यमपुरी अलग अलग लोगों में, मृत्यु लोक से इस समय कौन आया हुआ है, इस समय तो कोई नहीं, इतने अंतराल में है वो नहीं है, अमुक जीव नहीं आया हुआ है। हर लोक में जानकारी की, जब कहीं नहीं खोज के हार गए, तब चीता जलाई और जब जलने को तैयार हुए तो भगवान ने कहा, अर्जुन अभी तुम्हारा पूरा बल प्रयोग नहीं हुआ, तुम्हारा पूरा बल तो मैं हूं ना। तब भगवान की तरफ देखा, भगवान ने क्या कहा समझ गए, भक्त का पूरा बल मैं हूं, अभी तुम्हारा पूरा बल प्रयोग, तुम क्यों अधूरे में क्यों ऐसा कर रहे हो, आओ ना। दारुक को आदेश किया, दिव्य भगवान का रथ घोड़े बैठे अर्जुन, अपार जलराशि को चीरता हुआ, भी अंधकार को चीरता हुआ, बड़े तेजोमय स्थान में वहां अंदर प्रवेश। अर्जुन की बुद्धि काम नहीं करे तो वहां देखा श्याम घन शरीर, बड़ा सुंदर भगवान का, बोले आओ आओ कृष्ण अर्जुन, हम तुम्हारा दर्शन करना चाहते थे, इसीलिए ब्राह्मण के पुत्रों का, वो न कोई ब्रह्म लोक है न कोई अन्य लोक है, एक अलौकिक स्थान जो अर्जुन ने कभी पढ़ा नहीं था, सुना नहीं था। और भगवान क्या करें, प्रणाम कर रहे हैं, और कहे अर्जुन प्रणाम करो, ये भूमा पुरुष है, एक सारथी के रूप में बैठे, एक मित्र है और एक वो भूमा पुरुष जिनको भगवान भी प्रणाम। अरे कह रहे कि मच्छर और गरुड़ जी आप दोनों उड़ते हो आकाश का अंतर, ऐसे मुनि वेद ऋषि महर्षि भगवान शिव शारदा शेष महिमा का गान करते रहते हैं, पर पार कोई नहीं। अर्जुन को लगा नहीं नहीं हमारे कृष्ण कितने हैं ये हम नहीं जान सकते, क्या इनकी महिमा ये हम नहीं जान सकते, अथाह सामर्थ हमारे प्रभु में है। काकभुशुंड जी गरुण जी से कह रहे कि रामो काम सत कोटि सुभग तन दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन सक्र कोटि सत सरिस विलासा नव सत कोटि अमित अवकाशा मरुत कोटि सत विपुल बल लवि शत कोटि प्रकाश शशि शत कोटि सुशीतल समन सकल भवत्रास। हे गरुण जी हमारे प्रभु अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर वाले हैं, हमारे प्रभु में अनंत कोटि दुर्गाओं की सामर्थ्य विराजमान है। अनंत शब्द है कोटि, करोड़ों अनंतों दुर्गाओं जैसी शक्ति हमारे प्रभु में विराजमान है। अरबों इंद्रों के समान ईश्वर है हमारे प्रभु का, अरब त्रिभुवनपति देवराज, अरबों इंद्रों जैसा, अरबों आकाश के समान अनंत अवकाश है प्रभु, अरबों पवन के समान महान बलशाली है, अरबों सूर्यों के समान तेजोमय है, अरबों चंद्रमाओं के समान शीतलता प्रदान करने वाले हैं, संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले प्रभु की महिमा अगाध है, असीम है, अनंत है। काल कोटि सत सरस्वती दुस्तर दुर्ग दुरंत धूम केतु सत कोटि सम दुराधरस भगवंत प्रभु अगाध सत कोटि पताला शमन कोटि सत सरिस कराला
तीरथ अमित कोटि सम्पावन नाम अखिल अघ पुगुन शावल हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा सिंधु कोटि सत समगंभीरा कामधेनु सत कोटि समाना सकल काम दायक भगवान। हे गरुण जी महाराज, अरबों पाताल जैसे प्रभु गहरे हैं, कोई थाह नहीं पा सकता। अथाह अरबों यमराज के समान भयानक भी हैं, तिनकर काल रूप में भ्राता, और अनंत कोटि तीर्थों के समान पवित्र करने वाले हैं। इसीलिए विवेकी जन उनके नाम का निरंतर रटन करते रहते हैं, क्योंकि नाम जैसा कोई तीर्थ नहीं, नाम जैसी कोई साधना नहीं, नाम से बढ़कर कोई नहीं है। अनंतों कोटि तीर्थों के समान पावन करने वाले प्रभु हैं, तो प्रभु से भी महामहिम पावन करने वाला प्रभु का नाम है। प्रभु के नाम ने अनंतों को पावन किया है, पावन कर रहा है और पावन करता रहेगा। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान है। देखो, कामधेनु का जो आप इच्छा करोगे वो प्राप्त हो जाएगा, अगर इच्छा ना करो तो वही आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको कामधेनु चाहिए, कामधेनु से कामना की पूर्ति चाहिए, तो बुद्धिमान तो वही होगा कि कामधेनु ही मिल जाए अच्छा है। एक कामना पूर्ण हो वो अच्छा, या पूरी कामधेनु हमें मिल जाए। तो भगवान अरबों कामधेनु जैसे, क्या इनसे कामना कर, यही मिल जाए हमारी सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। समस्त कामनाओं की इच्छित पदार्थों को पूर्ण करने वाले अरबों कामधेनुओं के समान है शारद कोटि अमित चतुराई विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई विष्णु कोटि सम पालन करता रुद्र कोटि सत सम संघरता धनद कोटि सत सम धनवाना माया कोटि प्रपंच निधाना भार धरल सत कोटि अहिषा निरवधि निरूपम प्रभु जगदीशा। अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है प्रभु में, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की सामर्थ है प्रभु में, करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने की सामर्थ है, अरबों रुद्रों के समान संहार करने की सामर्थ है, अरबों कुबेरों के समान धनवान है, करोड़ों मायाओं के समान शक्तियां उनकी सेवा में कर रहती हैं, और बोझ उठाने में अरबों शेष के समान है। संपूर्ण भूमंडल को एक शेष भगवान, अरबों शेषों की जैसी भार उठाने की सामर्थ है। अधिक क्या कहूं गरुण जी, पहले कह दिया सब, मैं देख ही बात कह रहा हूं, कोई युक्ति लगा के नहीं कह रहा हूं, क्योंकि प्रभु के उदर में जाके सब देखा है। जगदीश्वर प्रभु श्री हरि सीमा रहित हैं, उपमा रहित हैं, प्रभु उपमा रहित हैं, किसी से उपमा नहीं दी जा सकती, प्रभु के समान केवल प्रभु ही हैं, ऐसा वेद वर्णन करते हैं, ऋषियों ने ऐसा अनुभव किया है। जैसे अरबों जुगुनियों के समान अगर सूर्य को कहा जाए तो ये प्रशंसा नहीं होगी, ये लघुता ही होगी। कहा जाए सूर्य कितने तेजस्वी,
बोले अरबों जुगनुओं के समान, तो ये उनकी अवहेलना होगी। ऐसे ही अपनी वाणी से जो भी कह रहे हैं उनके लिए सब थोड़ा है, क्योंकि अनंत असीम अपार है। राम अमित गुण सागर थाह की पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनेउ तुम्हें सुनावो सोई। प्रभु अपार गुणों के समुद्र है, भला कोई उनकी थाह कैसे पा सकता है। मैंने जैसा संतों से सुना है गरुण जी, वही मैं आपको सुना रहा हूं। मैंने एक बात पकड़ी है प्रभु की, भाव वश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। बहुत जोर की बात है, ऐसे महिमामय भगवान भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनु। हमारी प्रिया जो भावोत्सवेन, देखो यह भी कह रहे हैं, भाव वश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, तजी ममता मदमान भजिय सदा सीतारवन। गरुण जी हमारे प्रभु को एक भाव प्रिय है बस। अभी भाव बाजार में तो मिलता नहीं, ये तो भावयुक्त महापुरुषों के संग इस संक्रामक है, भाव से भाव, भाव से भाव, जो भगवत प्रेमी महात्मा जन है उनके संग। रेर मन रसकन संग बिन रंचन उपजे प्रेम, भाव यही है। उनके संग से उनका भाव हमारे में उतर जाए, निश्चित यदि आप मन वचन कर्म से संग करें तो रसिकों के संग से सब कुछ सुलभ। कहो कृपाते कहा न होई, सुख के भंडार करुणाधाम महामहिम अनंत महिम अवाले प्रभु भाव के वश हो जाते हैं। भाव बहुत बड़ी वस्तु है, ये वेदातीत वस्तु है। अगर वेदों के सिद्धांत की सार बात वेदांत में वर्णन की गई है तो उसमें भी भाव ही है, ब्रह्म भाव। सारा खेल भाव का है, अपने उपासना में तो है ही शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, भाव भाव। बाजार में भी सारा खेल भाव का ही है, भाव गिर जाए तो, और भाव उठ जाए, भाव गिर गया तो फिर किसी काम का नहीं। बोले टमाटर बाजार में मारे घूम रहे थे क्योंकि भाव ही गिर गया, अब क्या करें। हेली तो हम लोग जो मारे घूम रहे हैं ना, उसका कारण जानते हो क्या? भाव गिर गया। हमारा भाव गिर, अगर भाव उठ जाए। हाँ, बोले क्यों? बहुत मुस्कुरा के आ रहे हो पान खाते हुए। बोले आज भाव उठ गया था ना सामान का, बहुत अच्छे भाव में बिकी इसलिए मुनाफा ज्यादा हो गया। तुम भाव क्यों गिरा रहे हो अपना? गिराने दिए, ऐसा लगता शरीर नष्ट कर दे। हाँ, भाव गिर गया इसीलिए तो बात आ रही है। कैसे जिए, बहुत जलन हो रही, भाव गिरा दिया ना। भाव उठाओ, किसी भी तरह का कोई द्वंद तुम्हारे को छू न सके। ऐसे भाव वश्य भगवान, ये समझ में आ जाए बस, यही बात समझना है। ये भाव आ जाए तो, पर सब जब अभाव हो जाता है तब ये भाव आता है। ये ऐसा भाव नहीं है कि सब भावों के बीच में रहेगा, ध्यान रखना। जब सब भावों का अभाव हो जाता है तब आता शांत भाव, शांत भाव। और इसी शांत भाव के ऊपर फिर ये भगवत भाव उठते हैं, दास्य सख्य वात्सल्य कांता सहचरी। ममता और मद मान को छोड़कर जो भगवान के भजन में लग गए उनको ये भाव प्राप्त हो जाता है, और यही भाव भगवान को अधीन कर लेता है। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं,
भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है, भाव पूरित टेर ही हा किशोरी करती मुझे लाच, विवश कर देती है और समस्त माया का पर्दा हटाकर उसके सामने प्रकट होना पड़ता है। जो ममता, एक एक शब्द समझो, ममता कहीं नहीं केवल युगल चरण अरविंद में, और मद नहीं किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान पद प्रतिष्ठा आदि का, अगर मद है तो यही हमसी श्यामाजू के बल अभिमानी, हमारी लाडली जू। और मान, जो ममता मद मान को छोड़ करके प्रभु की शरण होकर भजन करता है उसको भाव मिलता है, और भाव के वशीभूत भगवान हो जाते हैं, उसके पीछे पीछे डोलते हैं, भक्तन पाछे यो फिरे जो बछरा संग गाए। कागभूषुंड जी के वचन सुनकर गरुण जी के आंखों में अश्रु आ रहे, आनंद सो हो, पंख फुलाकर हर्षित हो रहे, नेत्रों से प्रेम जल बह रहा है, मन डूब रहा है प्रभु की महिमा में, हृदय में भारी प्रताप भगवान का उदय हो रहा है भक्त के संग से। अब वो अपनी पिछली बातें याद करके बहुत सकुच जाते हैं कि ऐसे प्रभु पे मैंने संशय किया,